चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर एंड वाली क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस वाटर ग्लास प्लास्टिक क्ले तो वाटर ग्लास और प्लास्टिक आर द रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस बट क्ले कैन नॉट मेक अ रिफ्रैक्शन सो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लेंस भी नहीं बना सकते तो करेक्ट ऑप्शन इज क्ले सेकेंड है द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बना रहा है तो कब बनाता है ऐसा तो हमने देखा था कॉनकेव मिरर जनरली रियल इमेज बनाता है इसके 6 केस होते हैं 5 केस में रियल इमेज बनती है लेकिन एक केस होता है छठवा केस जिसमें ये मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज और इनलार्ज इमेज बनाता है वो कौन सा केस होता है छठवा केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है बिटवीन पोल एंड फोकस तो हमारे पास कई ऑप्शन दिए हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस दैट विल बी द 6th केस और अ डिजायर्ड केस सेम वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अब कॉन्वेक्स लेंस में हम कब इक्वल साइज की इमेज बना सकते हैं तो कब बना सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है दोनों की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है -15 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है मिरर कौन सा होगा लेंस कौन सा होगा दैट मीन्स हो सकता है दोनों कॉनकेव हो दोनों कॉनवेक्स हो मिरर कॉनकेव हो लेंस कॉनवेक्स या मिरर कॉनवेक्स और लेंस कॉनकेव तो हमने जब फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन देख रहे थे वहां देखा था कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉनवेक्स मिरर हो या कॉनवेक्स लेंस कॉनवेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो यहां हमारे पास दोनों नेगेटिव है दैट मीन्स मिरर भी कौन सा होगा कॉनकेव और लेंस भी कौन सा होगा कॉनकेव सो द करेक्ट आंसर इज बोथ कॉनकेव नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है ये बोला गया है कि मिरर के आप कितने भी आगे या पीछे खड़े हो इमेज आपकी वर्चुअल ही बननी है ठीक है इमेज आपकी वर्चुअल ही बननी है तो कौन सा मिरर यूज होगा तो सबसे पहले तो मिरर कौन सा वर्चुअल इमेज बनाता है तीनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं लेकिन कॉनकेव हमेशा नहीं बनाता अगर आप बिल्कुल आगे खड़े होंगे तो ही वर्चुअल बना सकता है अदरवाइज रियल बनाएगा तो कॉनकेव कैन नॉट बी आंसर नाउ कॉनवेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है और प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल बनाता है तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ईदर प्लेन और कॉनवेक्स लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम किया जाए और बोला जाए नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड स्मॉल तो आंसर क्या आएगा इसका कॉनवेक्स इरेक्ट एंड इक्वल तो आंसर क्या आएगा प्लेन तो क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी तो सबसे पहली बात तो डिक्शनरी है डिक्शनरी में हम क्यों लेंस यूज कर रहे हैं उसको बड़ा करने के लिए लेटर को बड़ा करने के लिए मतलब कि मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए एक से तो कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है तो दैट कैन नॉट बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास तो अब कौन सा बन सकता है केवल कॉनवेक्स लेंस तो हमारे दो ऑप्शन कॉनकेव लेंस वाले कैंसिल हो जाते हैं अब कॉनवेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर को भी यूज कर सकते हैं और 5 सेंटीमीटर को भी यूज कर सकते हैं दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए क्या पूछा है कौन सा इनमें से बेस्ट है तो अब हम देखें कॉन्वेक्स लेंस तो करना है अब हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस होता है इक्वल टू 1/f तो जितना ज्यादा f रहेगा उतना कम पावर और जितना कम f रहेगा उतना ज्यादा पावर तो हमारे पास अगर हम 5 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे तो मैग्निफिकेशन अच्छा खासा हो जाएगा ज्यादा पावर का हो जाएगा ज्यादा बड़ी इमेज दिखेगी तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror. अभी तो देखा था MCQ में concave mirror में हमें क्या चाहिए था virtual और enlarged image चाहिए था तो कब मिला था जब object कहाँ रखा था Between pole and focus, है ना
A focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw the ray diagram to show the image formation case. मतलब वो छठवा केस जो हमारा कॉनकेव मिरर का, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पूछा है हमसे. सबसे पहले अगर कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि हमें इमेज हमेशा इरेक्ट मिले? तो केवल कब कहाँ रख सकते हैं? यहाँ 0 और 15 के बीच में. जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा केवल और केवल तभी हमें वर्चुअल मिलेगी इमेज. अदरवाइज अगर जैसे ही एफ के बाहर जाएगा या एफ पे आएगा, क्या हो जाएगा? इमेज रियल बनना चालू हो जाएगी. तो दैट मीन्स हमें रेंज की बात करें तो क्या है? रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. मतलब 15 सेंटीमीटर के पहले हमें रखना होगा, तभी इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी. ठीक है. फिर नेचर ऑफ इमेज. ऑलरेडी वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज, तो हमें पता ही होना चाहिए इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल. और इसकी साइज कैसी होगी? तो जब भी ये केस होता है, तो जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो इनलार्ज इमेज बनाता है, तो हमारी कैसी होगी? रियल. और लास्ट टाइम बना था रे डायग्राम, तो रे डायग्राम देख लीजिए हमने कहाँ रखा इसको. पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट ए भी रखा. पहली लाइन पैरेलल गई, फोकस से चली गई. दूसरी पोल से जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली गई. ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पीछे इनको लेके गए तो एक इमेज बनी, तो वर्चुअल इमेज बनी जो कि ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है. सो दैट इज द कंप्लीट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशंस. फर्स्ट हेडलाइट ऑफ कार, सेकंड साइड रिव्यू मिरर ऑफ व्हीकल, एंड सोलर फर्नेस. ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. फर्स्ट देखते हैं हेडलाइट ऑफ अ कार. तो हेडलाइट ऑफ कार का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पूरा वाइड एरिया नहीं देखना, केवल सामने की सड़क देखनी है. सामने की सड़क देखनी है मतलब कि हमें केवल कन्वर्जिंग लाइट चाहिए. तो हम कन्वर्जिंग लाइट के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर. तो ये हम क्यों करेंगे इसका यूज? क्योंकि अगर हम कॉनकेव मिरर के फोकस पर बल्ब को लगा दें हेडलाइट के, तो क्या होगा? जितनी भी लाइट रे आएंगी वो सारी जाएंगी पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, जो कि हमें सड़क को देखने में अंधेरे में काम में आएगी, इंटेंसिटी इधर बढ़ जाएगी. रेयर व्यू मिरर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे एक्सरसाइज में. कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स करते हैं. क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और दूसरा ये पीछे का वाइड एरिया कवर करता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है. सिमिलरली थर्ड है सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस में भी हम कन्वर्जिंग मिरर यूज करेंगे क्योंकि हमें लाइट को इकट्ठा करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है. तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर. कन्वर्जिंग मिरर है और ये क्या करता है? जब लाइट की इंटेंसिटी को इकट्ठा करता है तो हीट ज्यादा आती है और ज्यादा सोलर लाइट मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर हम किसी लेंस के 1/2 को कवर्ड कर दें ब्लैक पेपर से, तो क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. सबसे पहली बात तो अगर हम किसी भी लेंस के कितने भी पोर्शन को कवर कर दें और केवल थोड़ा सा भी पोर्शन हमारे पास बाकी है, तो लाइट रे वहां से भी निकलकर पूरी इमेज बनाती हैं. जैसे हमने ये लेंस लिया और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा कवर कर दिया, तो लाइट रे कहाँ, इमेज कहाँ से बन जाएगी? ऊपर वाले लेंस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा. अगर हमने ऊपर वाला हिस्सा कवर कर दिया तो नीचे वाले से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पूरी की पूरी बनेगी. बस अंतर क्या आएगा? अंतर जो आएगा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेज बनने पर कोई भी इसका असर पड़े. अब यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स चालू हो जाते हैं. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. अब सबसे पहले तो देख लो दिया क्या क्या है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए दिया क्या क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो हम यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि ये दिया है ऑब्जेक्ट की साइज, तो ऑब्जेक्ट की साइज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेंगे. ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा लेंगे, इसलिए उसकी हाइट हमेशा कैसे पॉजिटिव. Now is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या दिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मींस यू दिया है, और यू इज ऑलवेज वी आर टेकिंग एज अ नेगेटिव, सो यू इज माइनस 25 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, अब फिर से बात फोकल लेंथ पॉजिटिव रखनी है कि नेगेटिव रखनी है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो यहां कैसे लेंगे एफ इक्वल टू प्लस 10। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड रे डायग्राम। अब फिर से मिरर है या लेंस, लेंस, तो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फाइंड क्या करना है 1 अपॉन वी, तो इसको यही रखो, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। एफ की वैल्यू रखनी है पॉजिटिव 10 रख दी, यू की वैल्यू कैसे रखनी है माइनस माइनस 25। एलसीएम लेंगे तो 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 10 5 मल्टीप्लाई 1 5, 50 डिवाइड बाय 25 2 मल्टीप्लाई 1 2, और ये माइनस का साइन है तो माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 अपॉन 50, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 3 अपॉन 50, तो वी इक्वल टू 50 बाय 3 सेंटीमीटर द आंसर, और फिगर कंप्लीट करें तो 16.66666 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारी क्या पोजीशन ऑफ इमेज, अब क्या चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या चाहिए होगा मैग्निफिकेशन। फिर से मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, लेंस के लिए पॉजिटिव वी अपॉन यू, मिरर के लिए नेगेटिव वी अपॉन यू, तो ध्यान रखना है क्या यूज कर रहा है, तो अपन यहाँ लेंस यूज कर रहे हैं, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है, वी की वैल्यू रख दी 50 अपॉन 3, यू की वैल्यू माइनस 25। सबसे पहले तो ये देखो आंसर कितना है 2/3, लेकिन कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आया है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज कैसी होगी रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज कैसी होती वर्चुअल इरेक्ट, तो यहां से हमें क्या पता चल गया ये नेचर ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन आ गया है, अब यूज करिए एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये दोनों के लिए मिरर और लेंस के लिए दोनों के लिए सेम होता है, आपको एच आई निकालना तो एच आई इक्वल टू इसको इधर ले जाइए एम इंटू एच ओ, एम आपका आ गया माइनस 2/3 और एच ओ आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस 10/3 या 3.33 सेंटीमीटर, सो द हाइट ऑफ इमेज माइनस 3.33, पोजिशन ऑफ इमेज 16.66 एंड नेचर इज रियल इन्वर्टेड। लास्ट हमसे पूछा था रे डायग्राम बनाना, अब रे डायग्राम बनाना है तो ध्यान से देखिएगा, हमने इसका फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 10 है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2f, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा बियॉन्ड द 2f, अब बियॉन्ड द 2f रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है बिटवीन फोकस एंड 2f, तो देखिए हमने जब इमेज बनाई तो हमारे पास ऑलरेडी 16.66 वो भी सही आ रहा है, 10 और 20 वहीं हमारे पास रे डायग्राम बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। फिर से कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकल लेंथ ही है किसकी, कॉनकेव की, अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो एफ इक्वल टू माइनस 15। अब वापस ये इमेज बना रहा है कितनी डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर, तो वी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फिर से पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मिरर में वी पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, रियल इमेज के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, लेंस में रियल के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए नेगेटिव, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहां हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलता है, अब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा वर्चुअल, क्योंकि कॉनकेव कभी रियल बना ही नहीं सकता, अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वी हमेशा उसका क्या होगा केवल और केवल माइनस वाला, तो वी इक्वल टू माइनस 10। फाइंड क्या करना है यू, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू हम इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू नेगेटिव, एफ की वैल्यू भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एलसीएम 15 और 10 का 30, तो 30 डिवाइड बाई 10 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइड बाई 15 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बाई 30, तो यू इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाएंगे, लेंस रखा, फिर से फोकल लेंथ कितना था 15, यू कितना आया 30, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, पहली रे आई पैरेलल,
जाना चाहिए फोकस से, तो डाइवर्ज हो गई, दूसरी सीधी सीधी चली गई, कहाँ आ गई इमेज, ओ और एफ के बीच में, ठीक है, दैट मीन्स 0 और 15 के बीच में, दैट इज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10, मतलब यू इक्वल टू 10, अब यू हमेशा नेगेटिव तो यू इक्वल टू माइनस 10, फिर कॉन्वेक्स मिरर है, पहली बात तो कॉन्वेक्स और दूसरा मिरर, कॉन्वेक्स हो चाहे कुछ भी हो, चाहे मिरर या लेंस, फोकल लेंथ कैसी होती है हमेशा पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ यहां इसकी कितनी आएगी 15 दी है, तो एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन मतलब वी एंड नेचर ऑफ इमेज, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यही हम आंसर दे सकते हैं, बट फिर भी हम मैथमेटिकली भी करेंगे। अब मिरर था इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस नहीं लगाएंगे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, निकालना वी है तो इसको इधर रखते हैं, यू के साइड ले जाते हैं, तो क्या जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, वैल्यू पुट करेंगे एफ की 15, यू की माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, 15 और 10 का एलसीएम 30, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 15 2 मल्टीप्लाई 1 2, 30 डिवाइड बाय 10 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 प्लस 3 5 बाई 6 30 या 1 बाई 6, तो V इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, द पोजिशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन, M इक्वल टू माइनस V अपॉन U, तो माइनस 6 अपॉन माइनस 10, आंसर कितना आया पॉजिटिव, हमें 3 बाई 5 से मतलब नहीं है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज प्लस 1, वट डज द मीन्स, तो यहां हमारे पास मैग्निफिकेशन पहली बात दी है प्लस, प्लस मतलब कि पॉजिटिव साइन शो करता है मैग्निफिकेशन इज की वर्चुअल इमेज बन रही है, तो प्लस साइन क्या शो कर रहा है द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वन मतलब कि मैग्निफिकेशन वन है, मतलब कि एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वन, तो एच आई इक्वल टू एच ओ, दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन वन शोज द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, हम अभी बता चुके हैं यू इज इक्वल टू ऑल विद नेगेटिव, तो यू इक्वल टू माइनस 20। अब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है पॉजिटिव, तो आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है वी एच आई या नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले तो आर दिया तो फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लें, फॉर्मूला एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो आर की वैल्यू 30 रखी तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मेरा फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन 15 माइनस माइनस 1 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 60, 4 प्लस 3 7 बाई 60 या वी इक्वल टू 60 बाई 7 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे तो 8.57 एंड आगे जाएगा। एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू लगाएंगे, फिर से माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि मिरर है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम इक्वल टू 3 बाई 7, फिर से पहली बात तो देखते हैं साइन पॉजिटिव है तो कौन सी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एच आई निकालना है तो एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई इक्वल टू एम इंटू एच ओ, वैल्यू पुट करते हैं 3 बाई 7 तो कितना आ जाएगा 15 बाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया वी इतना एच इतना और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। फिर से ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, प्लेस 27 सेंटीमीटर यू इक्वल टू माइनस 27, फोकल लेंथ 18, मिरर कौन सा है कॉनकेव, तो नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, तो एफ इक्वल टू माइनस 18। बस अब बाकी हमारे पास एच आई वी और नेचर पता करना है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू,
वी चाहिए है तो वन अपॉन एफ, वी इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू, वैल्यू पुट कर दें, एफ की भी नेगेटिव यू की भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे 54 आएगा, 54 डिवाइड बाई 18 3 मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस थ्री टू, सॉल्व करेंगे माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन अपॉन 54, तो वी इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन मिरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वी अपॉन यू, वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस टू। अब माइनस साइन क्या शो करेगा यहाँ, रियल एंड इनवर्टेड इमेज, टू यहाँ हमारे काम में आ जाएगा। तो एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इक्वल टू एम इंटू एच ओ, तो माइनस टू इंटू सेवन, तो एच आई माइनस 14 7 सेंटीमीटर। दैट मीन पोजिशन ऑफ इमेज माइनस 54, साइज ऑफ इमेज माइनस 14 एंड नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर माइनस टू डायप्टर, वॉट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इक्वल टू वन अपॉन पावर ऑफ लेंस। अब पावर कितना दिया है, माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, माइनस 50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो क्या होगा, लेंस क्या होगा हमारा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस। सेम क्वेश्चन था जो लास्ट था, p इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो f इक्वल टू वन अपॉन p, वैल्यू सॉल्व की तो आंसर आ जाएगा 2/3 या 0.66 मीटर या 66.66 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है।